अपना क्वेश्चन कौन सा है? थर्ड, मान निकालिए, क्या है? मान निकालिए, ये पहला क्वेश्चन है इसका। अब इसमें दे रखा है साइन स्क्वायर है 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर है 27 डिग्री, कोस स्क्वायर है 70 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो पहले अपन ये जो फॉर्मूला है ये दिख रहा है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, इसमें छह इस फॉर्मूले में यूज होंगे। और ये कैसे यूज किए जाते हैं इसको पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे देखना, अगर हमने क्या लिखा, साइन ए, क्या है साइन ए, तो ये वाला साइन है ना, ये वाला साइन थीटा की जगह पे हमने क्या मान लिया, ए। साइन ए की जगह पे अब साइन ए का मान क्या होगा, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पे हमने क्या मान लिया, ए। क्लियर? अब देखो यहाँ पर साइन क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है ना, ये 63 क्या है, ए, मतलब ए का मान क्या है, 63, क्या है 63। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, साइन 63 डिग्री हो गया। अब क्या कर लेंगे, ये कोस 90, यहाँ भी तो ये ही है, यहाँ भी क्या आएगा 63 ही आएगा, क्या आएगा 63। अब इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस कितना आ जाएगा 27। अब इस साइन की जगह पर क्या आ जाएगा, कोस 27, क्या आ जाएगा 27। अपने को इन दोनों में से या तो इसको चेंज करना है, या तो इसके चेंज करना है नीचे वाला, या तो इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, समझ में आया, एक कोई सा भी चेंज करना होगा। ठीक है, इतना तो बैठ गया दिमाग में, एक और इसमें कर लेके देख लेते हैं। अगर हमने ले लिया यहाँ पर मान लो क्या है 10, अगर हमने बोल दिया यहाँ पर 10 25 डाल दिए, क्या डाल दिया 10 25 डिग्री। अब इसको चेंज करना होगा, अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे, 10 का मान क्या है यहाँ पे देखेंगे, 10 थीटा, 10 थीटा क्या है, कोट 90 ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कोट 10 है ना, 10 का ये मान लिखते हैं पहले, रुक जाओ एक मिनट, 10 यहाँ पे ये करने क्या ए, 10 ए, उसके बाद क्या लिखेंगे, कोट ब्रैकेट में 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह हमने क्या माना ए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे तो 10 क्या है 25, क्या है 25, तो हम एक स्थान पर क्या डालेंगे 25, यहाँ पे क्या डाल दिया 25 और यहाँ पे क्या डाले 25 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोट इसमें से माइनस किया है 65 डिग्री, इसके मतलब अब इसे 10 25 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, अब इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, कोट 65 डिग्री, ये लिखा जा सकता है। इस तरह से इसमें चेंजिंग करेंगे, अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, बट्टे में क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। तो सबसे पहले हम किसको इसमें ये कोई सा भी चेंज करते हैं, तो या इसको लेकर चेंज करेंगे, तो अगर इसको लेकर चेंज करेंगे तो जो डिग्री है वो क्या आएगा 27 आएगा, या इसको लेकर चेंज करेंगे तो क्या आएगा 63 आएगा। चेंज करने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। तो अपना क्या है यहाँ पे साइन, साइन वाला कौन सा है, ये वाला है, ये तो हम इसको यहाँ पे हमने क्या है 63 डाल दिया, थीटा की जगह पर हमने क्या डाल दिया 63 इक्वल। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या आएगा 63। अब इसे सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस 27 डिग्री। तब हमने इसको इस साइन स्क्वायर 63 डिग्री के जगह पर क्या लिखेंगे, कोस 27, कोस 27 डिग्री हो गया। क्लियर? प्लस अब इसको क्या कर लेंगे, साइन स्क्वायर 27, इसके ऊपर भी तो स्क्वायर आएगा,
बैठ गया। देखो इनकी डिग्री क्या होना चाहिए, सेम डिग्री सेम करने के लिए, ये डिग्री सेम नहीं है इनके, डिग्री सेम करने के लिए हमने क्या किया, इसको इस फॉर्मूले पे सॉल्व किए। क्लियर। अब नीचे क्या दे रखा है, कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री, इनके डिग्री सेम नहीं है, चेंज करें, या तो इसको चेंज कर लेते हैं या तो इसको, चलो इसको लेकर चेंज करते हैं, तो क्या होगा कोस, देखो यहाँ पे कोस वाला ये है ना, कोस वाला ये है, तो इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस थीटा बराबर क्या कर लेंगे, साइन 90 डिग्री थीटा। अब इस थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, ये लेके सॉल्व कर रहा है तो क्या रखे 17, यहाँ पे थीटा है, थीटा के जगह पे क्या रख लिए 17। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा 73। साइन 73 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर दे रखा है तो स्क्वायर डालेंगे और यहाँ पे क्या डाल देंगे 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर। आप देखो, आप एक चीज को देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो ये थीटा क्या है, थीटा दोनों का क्या है, सेम है, तभी तो इसका मान 1 आया है। अगर ये सेम नहीं होता है, थीटा क्या है, थीटा का मान, यहाँ भी देखो थीटा का मान सेम नहीं होता है, तो ये 1 आता है, इसलिए हमने क्या किया, पहले इनके जो डिग्री थीटा का मान है उसको क्या किए, सेम किए। अब इसका कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का मान क्या होता है 1, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1। क्लियर। अब इस यहाँ भी वही है, इसका भी जो डिग्री है वो क्या है, सेम है, तो इसका मान क्या आएगा 1। अब 1 का 1 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1। इस तरह से क्वेश्चन है, क्या है, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। तो अपने को सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे क्या है कोस, लेकिन यहाँ पे 25 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है पैंसठ, इसमें देखो क्या है कोस 25 और यहाँ पे साइन पैंसठ। ये बताओ ये सेम लग रहे हैं, हमने क्या बोला, इनके जो डिग्री है ना वो क्या करना है, सेम करना है, मतलब एक समान रखना है, इसकी डिग्री या तो ये चेंज कर ले नहीं तो ये चेंज कर ले इसमें, हाँ इसमें भी या तो ये चेंज कर ले या तो ये कोई सब्जेक्ट चेंज करना है, हम साइन ले लिए, क्या ले लिए साइन, अगर साइन क्या है यहाँ पे साइन 25 डिग्री तो सीधा सीधी क्या हो जाएगा कोस 90 डिग्री माइनस 25, ये 25 यहाँ पे आ गया, अब ये कितना हो गया कोस क्या हो जाएगा 65 डिग्री। अब इसको हम क्या कर लेंगे, इस साइन के स्थान पर पुट कर लेंगे, लिखे यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 65 डिग्री, और उसके बाद क्या हो गया कोस 65 डिग्री, दोनों का सेम आ गया प्लस कोस 25। अब कोस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री, या तो कोस को चेंज कर लो या तो साइन को, यहाँ पे तो कोस आया है ना, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इस कोस को चेंज कर लेंगे तो साइन सेम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इस मेथड पर ले जाना है, तभी तो इसका मान एक होगा और ये नहीं हो पाएगा, तो हमने इधर कोस लिया दिया तो इधर साइन लाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब इसका क्या हो जाएगा, लिखेंगे कोस, इसको तो इसको मिटा लेते हैं, लिख लें यहाँ पे कोस 25 डिग्री, क्या कर दिया कोस 25 डिग्री साइन 90 डिग्री माइनस 25 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा साइन 65 65 डिग्री। अब इसको लिख ले यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लिया क्या हो गया साइन 65 डिग्री, और क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री
65 डिग्री। अब देखो जब इनके एक डिग्री समान है तो ये कोस है इस कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 65 डिग्री हो गया। प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 65 डिग्री। यस सर, बैठ गया इतना दिमाग में। अभी देखो इनके जो डिग्री है थीटा, ये थीटा क्या है, सेम है, तो इसका मान क्या आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, 9 से स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर है। सॉल्व करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, ना कॉमन आ रहा है, ले लेंगे इसको ब्रैकेट में डाल दिए, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है। आप देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर का मान क्या दिया है, 1 + 10 स्क्वायर, यहाँ पे इस फॉर्मूले में दिख रहा है क्या, सेक स्क्वायर का मान क्या दिया है, 1 + 10 स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे 9, ब्रैकेट में कर लेंगे 1 + 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए। अब देखो इससे प्लस का ये क्या है, माइनस का, इससे ये कट गया, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच गया, 1 1 ही बचा सिर्फ। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 9। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, बी, कौन सा है, बी, बी वाला ऑप्शन सही है, कौन सा सही है, बी। चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में 1 + tan θ + sec θ, फिर ब्रैकेट में क्या हो गया, 1 + cot θ - cosec θ। अब इसे सॉल्व करेंगे, नहीं शांत रहेगा, कौन सा है, कितना है, ए में कितना है, जीरो, बी में कितना है, वन, बी में वन, वन, सी में दो, डी में माइनस वन। इसको सोल्व करने पर या तो जीरो आ जाए, या तो वन, या तो टू, या तो माइनस का वन, इसमें से कोई सा भी एक आंसर आएगा, अब देखते हैं कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखना सिर्फ 1 + 10 के जगह पर क्या कर सकते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, 10 का मान क्या हो सकता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस सेक का मान क्या होगा, 1 / कोस थीटा, ये हो गया। अब इसको लेंगे 1 + कोट का क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस क्या हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा, 1 / साइन थीटा, ये हो गया। अब इसे सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, साइन थीटा आएगा यहाँ पे, कोस से कोस कट गया, साइन आएगा प्लस के वन, इसका ये हो गया। इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इसमें क्या आ जाएगा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस माइनस का वन है, माइनस का वन हो गया। अब इसको इसके साथ क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले क्या करेंगे, कोस को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ओनली साइन के साथ नहीं, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले कोस से कर ले, चलो कोस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस साइन, कोस थीटा साइन थीटा, ये हो गया। अब इसी कोस को इसी कोस के साथ करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस, फिर इस कोस को इस वन माइनस के वन के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के कोस थीटा हो गया।
अब इस साइन को, इस कोस को तो इस पूरे में कर लिए, अब इस साइन को इस पूरे में करेंगे, क्या करेंगे, इस साइन को इस पूरे में करेंगे, तो क्या होगा, प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर इस साइन को इस कोस के साथ करेंगे तो प्लस के साइन थीटा कोस थीटा, क्लियर, फिर इसी को साइन को इसी को इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस के साइन थीटा हो गया। अब इस वन को इस पूरे के साथ करेंगे, इस वन को इस पूरे के साथ करेंगे तो क्या होगा, यही चीज आएगा, लिख लें यहाँ पे प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के वन, ब्रैकेट में कर लें और नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, इतना आ गया समझ में। अब देखो कोस साइन क्या है, कोस साइन यहाँ पे कहीं दिख रहा है, एक पास कोस साइन, ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों दिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे टू, क्या लिखेंगे, टू टू हो जाएगा ना, टू कोस थीटा और साइन थीटा, क्लियर। अब देखो इस कोस स्क्वायर, यहाँ पे कहीं कोस स्क्वायर दिख रहा है ना, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक पास लिख लेंगे, अगर इसको एक पास लिखेंगे तो ये वाला पोजीशन हो जाएगा, अगर इन दोनों का एक पास लिख लिए, जैसे लिख लिए क्या लिख लिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख देंगे, वन हो गया, ये और ये भी सॉल्व, अब माइनस के कोस थीटा, माइनस के कोस थीटा, और यहाँ पे देखिए प्लस का कोस थीटा कट गया, अपने यहां तक पहुंच गए, ये भी हो गया। अब ये देखो प्लस माइनस के साइन थीटा, यहाँ पे प्लस के साइन थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बैठ गया दिमाग में, और ये क्या होगा, माइनस के वन, बच गया। अब इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा, ये हो गया, इक्वल करते हैं, ठीक है। अब इससे ये वन है, ये प्लस का है, माइनस का, ये भी कट गया, अब यहाँ पे तो सिर्फ क्या बचा है, टू, अब प्लस माइनस इसमें से खत्म हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, अब इससे ये भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, बचा क्या, टू, ये आंसर हो गया, बचा क्या, टू, और इसमें तो टू कौन सा है, सी, तो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, सी, आगे समझ में, बस यार।